मुआवजा नहीं मिलने से किसान परेशान, राष्ट्रपति से मांगी सामूहिक आत्मदाह की अनुमति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम दोई फोडिया क्षेत्र में उतावली नदी पर डैम का निर्माण प्रस्तावित है। इसको लेकर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर ने उतावली नदी का दौरा किया। मौके पर पहुंचे इंजीनियर और संबंधित अधिकारियों का किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों ने अधिकारियों से पूछा कि उन्हें उनकी जमीन के लिए कितनी मुआवजा राशि मिलेगी। मुआवजा राशि पता चलने के बाद ही अपनी जमीन पर काम करने देंगे। किसानों के भारी विरोध और नारेबाजी को देख इंजीनियर वापस लौट गए। किसानों ने मीटिंग करके राष्ट्रपति से सामूहिक आत्मदाह करने की अनुमति देने के लिए आज आवेदन दिया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम दोई फोडिया के आसपास के करीब 1500 किसानों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आत्मदाह की अनुमति मांगी है। दरअसल गांव में डैम का निर्माण होना प्रस्तावित है, जिसे लेकर अधिकारी मौका मुआयना करने ग्राम पहुंचे, जहां किसानों ने विरोध करते हुए मांग की कि जब तक हमारी जमीन का उचित दाम नहीं मिलता तब तक हम डैम का निर्माण नहीं होने देंगे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी जमीनों पर जबरदस्ती निर्माण काम शुरू किया गया तो किसान आत्मदाह करेंगे, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। मुआवजे के लिए किसानों ने की जल संसाधन मंत्री से मुलाकात। इससे पहले किसान 15 दिन पहले मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात की थी। किसानों ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मांग की उनकी जमीनों के लिए 28 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि दी जाए। इसके लिए किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में भी 2 से 3 बार आंदोलन किया। किसान डैम के निर्माण के बाद डूब में जाने वाली जमीन की मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए लगातार स्थानीय प्रशासन और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने किसानों को मुआवजा राशि 19 लाख से बढ़कर 21 लाख रुपए करने का आश्वासन दे चुके हैं। किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। इस संबंध में किसान रवि पटेल ने कहा कि हम किसानों ने ग्राम सभा में मीटिंग कर निर्णय लिया, जिसकी एक लिखित कॉपी जल संसाधन मंत्री को भी दी गई है। इसमें कहा गया है कि मुआवजा राशि के तय हुए बगैर बांध का कार्य आरंभ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो पांगरी प्रकल्प समेत समस्त जिले के बांध प्रभावित किसान तीव्र एवं उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किसानों के मुताबिक 6 महीने हो गए डूब में जा रही जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। उतावील नदी पर प्रस्तावित डैम के निर्माण से नागझिरी, बसाली और पांगरी के कई किसानों की जमीन डूब में जा रही है। किसान के मुताबिक उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा कम दिया जा रहा है। उचित मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। किसानों का कहना है कि अन्य क्षेत्र के जमीन के भाव ज्यादा हैं, वहां की तरह यहां भी किसानों को जमीन का उचित भाव दिया जाना चाहिए, लेकिन इस ओर कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों ने कहा, डैम बनाया जाना अच्छी बात है, लेकिन हमें हमारी जमीन का उचित दाम मिलना चाहिए। किसानों ने अपनी परेशानियों का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें जमीन का मुआवजा काफी कम दिया जा रहा है, ऐसे में हम अपनी जमीन खोकर जीवन यापन कैसे कर पाएंगे। प्रशासन कर रहा मनमाने तरीके से काम। किसानों ने आरोप लगाया है कि यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं वो गुप्त रूप से काम करके चले जाते हैं। किसानों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है, कोई मुआवजे को लेकर बात तक नहीं करता। विरोध करने वाले किसानों ने बताया कि डैम निर्माण को लेकर किसी भी ग्राम सभा में कोई मीटिंग नहीं की गई और न ही इस संबंध में कोई बैठक बुलाई गई। शासन प्रशासन मनमाने तरीके से अपना काम कर रहा है, इसलिए किसान भी इसका समय समय पर विरोध कर रहे हैं। हमें हर हाल में अपने जमीन का मुआवजा चाहिए, इसके लिए हमने पहले भी बैठक एवं शिकायतें की हैं। अब यदि प्रशासन नहीं माना तो आंदोलन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 गांव के ग्रामीण यहाँ जमा हुए, किसान जमा हुए। हमें आज ज्ञात हुआ था कि SDM मैडम यहाँ आने वाली है, लेकिन किसी कारण उसको नहीं आ पाई। लेकिन जो उर्मिलिया साहब आए थे जल संसाधन से, वो उनसे मुलाकात हुई, उनसे सकारात्मक चर्चा हुई, उन्होंने भी सहयोग किया। और हमने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी काम बांध संबंधित अभी आरंभ नहीं होना चाहिए जब तक कि हमारा मुआवजा तय नहीं हो जाता। तो अगर इस प्रकार का अगर कोई आक्षेप या किसी प्रकार का कोई काम करते हो, कानून को धता बता करके गलत तरीके से किसी प्रकार का बांध का काम निर्माण कार्य शुरू होता है, तो हम सब किसानों ने मिलकर के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है कि अगर हमारी जमीन जाती है और हमारे किसी प्रकार का मुआवजा तय नहीं होता है, तो हम लोग सामूहिक 1500 किसान सामूहिक आत्मदाह करने वाले हैं। इसके लिए हमने अनुमति मांगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।